बच्चों, मेरे साथ मेरे दो अमेजिंग टीम मेंबर संजय सर और डॉक्टर आयुध, और आज हम कर रहे हैं, चलो फटाफट जाके एक चाय का कप ले आओ, चाय पे चर्चा। यस यस। सो बच्चों, आपको लग रहा होगा अभी हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बट आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। काफी बच्चों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया होगा ड्रॉप करने का, कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया। यू नो, रिजल्ट के आसपास पर आप लोगों की टेंशन बढ़ती जाएगी, शायद आपके पेरेंट्स कहीं ड्रॉप के लिए मानेंगे, कहीं शायद आपको फोर्स करेंगे ड्रॉप करने के लिए, कई बार आपका मन नहीं करेगा। ये बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव टाइम है। मैं इन दोनों टीचर्स और खुद मिलकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कब ड्रॉप लें, कैसे ड्रॉप लें, सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग जाएं, कब टेस्ट दें, कितने टेस्ट दें, अगर सैड फील होता है तो क्या करें, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको अगले 7-8-10 मिनट में देने वाली हूँ बस, राइट? तो आई एम गोइंग टू बी लाइक द मॉडरेटर फॉर टुडे, और बीच बीच में मैं पूछने वाली हूँ सवाल। पहले पूछूंगी आज का सवाल संजय सर से, एंड देन आई विल कम टू डॉक्टर आयुध। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू विल बी कि अगर कोई बच्चा सोचता है कि उसको ड्रॉप लेना है, तो वो क्या कंडीशन है? क्या 160 वाला बच्चा भी ड्रॉप ले ले जिसने पढ़कर, बहुत पढ़कर 160 लिया है? क्या वो बच्चा ड्रॉप ले ले जिसने 2 अटेम्प्ट लगा चुके हैं पहले? या वो बच्चा ड्रॉप ले जिसके 400-450 आए हैं? तो डॉक्टर आयुध, मैं आपके बाद में आती हूँ, फर्स्ट टू यू संजय सर, आप बताइए कि कैसे, क्या कंडीशंस हो, और बड़ा क्रिस्पली कंसाइसली बच्चों को बताओ कि आपके हिसाब से क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि बच्चा ड्रॉप ले। ओवर टू यू। ठीक है, थैंक यू। सो हेलो बच्चों, देयर कुड बी टू कंडीशंस। पहली कंडीशन ये होती है जनरली मैम कि बच्चों के पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं, या फिर हम लोगों को अवेलेबिलिटी नहीं रहती है बड़े बड़े कोचिंग्स की, या फिर हो सकता है कि मैंने जो ह्यूज सिलेबस होता है 11 और 12 कवर ना किया हो। करेक्ट। इसके चलते मैं हो सकता है कि 100 या 200 मार्क्स ही लेके आ पाया हूँ। करेक्ट। विद द 12th स्टैंडर्ड। करेक्ट। तो दैट इज अ कंडीशन। और अच्छा, मुझे पता है कि मेरे 12th स्टैंडर्ड मार्क्स भी अच्छे हैं और बायो लवर मैं हूं। करेक्ट। और केमिस्ट्री और फिजिक्स भी मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है। देन दैट इज, बट हेल्प नहीं मिली। हां, हेल्प नहीं मिली, तो वो आपके लिए एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि दैट इज द साइन कि आपको डेफिनेटली ड्रॉप के लिए जाना चाहिए। और सर, आपको क्या लगता है 150-200 एक साथ में बच्चा मेहनत करे तो 6 तक खींच सकता है? टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं है मैम, वेरी मच डूएबल। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा ह्यूज था, मैं हो सकता है कि उस लेवल तक ना जा पाया, तो दिस इज द चांस कि एक साल के अंदर मैं फिर से चीजों को कवर करूं, तो इस साल मुझे जाके कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। इंस्टेड मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरे पास में थ्रू आउट द ईयर के नोट्स पड़े हुए हैं, और जो हम जैसे अच्छे मेंटर अगर आपको मिल रहे हैं जो बिल्कुल सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं कंटिन्यूअसली टच में रहूंगा, सो दैट कि सारी की सारी चीजों की मुझे कैरिकुलम मिल जाए, थ्रू आउट द ईयर मेरा प्लान मेरे सामने आ जाए, एंड देन आई विल बी डेफिनेटली टू एबल टू स्कोर मोर देन 600 मार्क्स। परफेक्ट। ये मुझे लगता है, दैट इज व्हाई वी आर वेरी नाइस। आई सो मेरा आपसे थैंक यू सर, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, स्पेसिफिक है। अगेन, वो बच्चा जिसने लगा दिया 2 साल, ठीक है, चला गया कोटा, पहले साल अपने जगह के लोकल किसी कोचिंग में अच्छे में, दूसरे साल कोटा भी लगा दिया, 1 साल माँ बाप ने पैसे भी लगा दिए, 1.5-2 लाख खर्च दिया, चला गया कोटा, सब कर दिया, पर नंबर फिर भी 250-300 है। अच्छा, तो अब वो बच्चा, मेरा क्वेश्चन है कि वो बच्चा भी, देखो कई बार हमारा ये नहीं कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, वो एप्टीट्यूड नहीं है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फॉर व्हाटएवर रीजन, बायो में स्कोर कर पा रहा है, पर समहाउ फिजिक्स और केमिस्ट्री एल्यूसिव है। सो व्हाट इज माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट आर द थिंग्स दैट बच्चा सोचे कि बस अब नो मोर ड्रॉप, बिकॉज़ वो भी तो लेना है डिसीजन, यू कांट स्पेंड 4-5 इयर्स। एग्जैक्टली, दैट इज एंटायरली इनको बिलीव करना उस चीज को। तो बहुत क्रिस्प में आपको बताऊंगा। करेक्ट। आइंस्टीन ने बोला था, इंसैनिटी इज डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। तो बहुत क्लियर सी बात है, आपको सबसे पहले जॉट डाउन करना है कि आपको सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। करेक्ट। अगर आप परफेक्ट हो तो आपको सिलेक्शन होना चाहिए था। करेक्ट। बहुत क्लियर बोलूंगा, थोड़ा सा रूट लगे तो थोड़ा सा बोल देना। बिल्कुल। और नहीं सर, आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बट बच्चों ये हम तीन जो है ना, ये आपको भले ही गलत लगेगा अभी,
बात सच्ची करेंगे, वो बहुत जरूरी, आपको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, शुगर कोट नहीं करेंगे। सच कड़वाई क्यों ना हो, कड़वाई बोलो, करेक्ट, पर आपको सच जानने की जरूरत है। करेक्ट, आपको पेन पेपर लेके, एक्चुअली ना जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना, मन में मत घुमाओ उसको, तुम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाओगे। टेक डाउन अ पेन एंड पेपर और लिखो वहां पर बैठ के कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कॉज वन, कॉज टू, कॉज थ्री, कॉज फोर, ऑब्जेक्टिवली लिखो, ऑब्जेक्टिवली। यू नीड टू राइट इट डाउन कि मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं करे, मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, मेरा जो था बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मैंने मेरे टीचर की बात नहीं मानी, मैंने टेस्ट ही नहीं दिए इस साल पूरा डर के मारे। तो अगर तुम जॉट डाउन कर पाते हो रीजन, और तुम्हारे सब के सब रीजन में से कि मैंने सब कुछ परफेक्ट करा फिर भी मेरा नहीं हुआ, तो फिर तुमको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। I can't become an actress. Right, पर मुझे पता होना चाहिए मेरे अंदर। Thank you so much. But कई बार क्या होता है ना, I should know my shortcomings also. कई बार honestly लोग नहीं बताते, घर वाले भी उस belief में रहते कि यार हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, society भी नहीं। तो उस time पे बच्चे को वो decision भी खुद ले लेना चाहिए कि यार शायद aptitude नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन ये थे जिसमें आपको बहुत दिमाग लगाना पड़े, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं 2-2 साल नहीं कर पाते, तो मेरे से आओ ना पढ़ो, मेरे से पढ़ो आओ हो जाएगा, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से होती चीजें। और पढ़ाई बहुत आसान है, पढ़ाई बहुत मजेदार है, तुम आके देखो तो क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना बच्चों की, सर फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं पाते, मैथ्स का पार्ट होता ही नहीं है बिल्कुल भी, तुम आ जाओ। यस, दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम बच्चों को जो होती है, डिस्प्रूव हो जाएगा कि इतना आसान है कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपका छोटा भाई बहन 3rd-4th class में वो मेरे से पढ़ लेगा तो उससे बनने लग जाएंगे क्वेश्चन सारे के सारे। तो एटीट्यूड के कारण अगर नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट हो जाएगा। इसी आपके दोनों की बात से मैं एक और चीज पे आती हूं, कोचिंग सेल्फ स्टडी, बच्चा कंफ्यूज्ड मेरे हिसाब से, मैं अगर सोचूं इसको, फिर अगर आपने एक साल कोचिंग ले लिया कहीं से, देखो कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट्स कई बार घर बैठ के नहीं चमकते, यू नीड समवन, वो ऑफलाइन सेंटर हो आपके घर का पास, आप कोटा जयपुर दिल्ली चले जाओ या ऑनलाइन सेंटर हो, बट यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ टीचर, यू नीड समबडी हु हैंड्स ऑन। उसके बाद अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, बिना सेल्फ मोटिवेशन के सेल्फ स्टडी करोगे जीरो अड्डा, पर अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ इंस्पायर्ड हो, आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप एक साल कहीं पढ़कर आ गए, घर में इतना पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बार बार पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो लास्ट ईयर के आपके नोट्स रेडी होंगे, हमारा वीर बैच पूरा है, आप सेल्फ स्टडी करो 100% आपका निकलेगा। पर आप दोनों के थॉट्स भी क्या है कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी में, एक एक फ्रेश ड्रॉपर को और एक एक दो साल बैठे वाले ड्रॉपर को, आपके हिसाब से क्या है ओवर टाइम? देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आप कितना ही पढ़ लो, जो एक बच्चा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल्फ स्टडी में बच्चे के साथ में, वो एक लूप में फंस जाता है। क्या पहले वो पूरे लेक्चर सिलेबस के लेक्चर देखेगा, फिर वो शॉर्ट वाले वन शॉट देखेगा, फिर एग्जाम के एक दिन पहले तक 12-12 घंटे के रिविजन की वीडियो देखता रह जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं करता मैम, वो क्वेश्चन करने के वीडियो देखता है। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ स्टडी में आप समझते हो कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ना सिलेक्शन का सिर्फ 40% है। अगर 60% जो एल्स में होती है आपको पता ही नहीं क्या होती है, उसमें टेस्ट आ जाता है, किस टाइप से डीपीपीस करनी है, क्वेश्चन का किस पैटर्न में देना है, क्या एनवायरनमेंट में पढ़ना है, एग्जाम में क्या एनवायरनमेंट रेप्लिकेट करना है, वो एक एक चीज होती है। तो इसकी प्रॉपर एक लिस्ट अपन बच्चों को दे देंगे कि पढ़ने के अलावा और क्या करना होता है, और हम दे ही रहे सर हमारे कम्युनिटी पेज पे, टेलीग्राम पे डीपीपी है, कल हमारे लेक्चर हुए, आपको आपने डीपीपी शाम को देख ली थी राइट, तो आपने देखे सॉल्व किया है आप लोगों को, आपको पता ही है कि वो भी यहाँ किया जाएगा। एग्जैक्टली, तो जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना वो एफर्ट बच्चा सेल्फ में नहीं कर पाता है, वो प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व कर दी है। तो अब अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो हो जाएगा, बस एक ही चीज याद रखना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सेल्फ में होती है, जो आपको नहीं भूलना है, वो है कंसिस्टेंसी। एक दिन भी, जैसे बोलते हैं एक मच्छर भी हानिकारक है, ऐसे एक दिन लेक्चर छोड़ना भी हानिकारक है बेटा, एक दिन भी नहीं छोड़ना लेक्चर, चाहे कुछ भी हो जाए, घर की शादी हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, यूट्यूब खोल के कितना टाइम लगता है यार, बैठ जाओ ना, तुम्हारी हालत खराब है, तुम घर में शादी है, चाचा फूफा किसी की भी शादी हो, बैठो देख लो बस यूट्यूब पे, हो जाएगा, चिंता ना करो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? ठीक है, तो आई जस्ट वेंट थ्रू जो आप लोगों ने बातें बताई और आई वाज प्रीटी मच इंस्पायर्ड, और मैं काफी खुश हुआ इस चीज से कि काफी अच्छा वे ऑफ थिंकिंग है आपका, और इससे बच्चों को काफी हेल्प मिलेगी डिसाइड करने में कि व्हाट वुड बी देयर टारगेट, उनको क्या अचीव करना है। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूंगा कि चाहे जेईई का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम, ये दोनों ही एग्जाम
बच्चे के अंदर अगर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो ही कांट करेक्ट इट्स वेरी मच करेक्ट लाइक अगर आई एम अ फादर बीइंग अ फादर और बीइंग अ डॉक्टर इफ आई थिंक कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने एंड आई एम अननेसेसरी पुशिंग देम विदाउट देयर ओन मोटिवेशन तो मैं मुझे जीरो रिजल्ट मिलने वाला है दैट इज द पुश करेक्ट वेल सेड सो व्हाट इज माय वे टू थिंक अगर मान लीजिए मैं आज 11th स्टैंडर्ड में हूं या 10th स्टैंडर्ड जिस मैंने पास किया या मैं 12th स्टैंडर्ड में हूं आई नो कि क्या सिलेबस आता है क्योंकि दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर और एनटी की सेट मिल जाएगा करेक्ट लेकिन किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से उस सब्जेक्ट की डिलीवरी होती है और किस तरह की गाइडलाइन मुझे फॉलो करनी है इसके लिए कोचिंग आई थिंक मैंडेटरी है फॉर द वंस इट इज मैंडेटरी व्हाई इज इट सो क्योंकि मुझे पता है कि इतने लाखों लोग बैठ रहे हैं और बहुत ही कम 1% के आसपास सेलेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होगा उन लोगों का जो ऑलरेडी इस फील्ड के एक्सपर्टाइज है अब बात करते हैं उस पर्सन के लिए जिसने ऑलरेडी कोचिंग ले ली है यानी अब उसके लिए या तो ड्रॉप करने का टाइम है या फिर वो खुद से सेल्फ स्टडी करके रिपीट करे तो उसके लिए क्या सजेस्टेड है तो उसके लिए मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा मैम कि देखिए कंटेंट मेरे पास आ चुका है फ्लो मुझे पता है कि कितना पढ़ना है उसके साथ में हम जैसे 3 डेडिकेटेड लोग ऑलरेडी अवेलेबल है बायोटोनिक पीसीबी पे तो उसको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इन्वेस्ट भी गलत शब्द होगा ये वेस्ट होगा अब अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम अननेसेसरी अपने कोचिंग जाने में समय व्यतीत करने में इनफैक्ट मैं फाइनेंशियली भी वहां पे अपना इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जबरदस्ती पैसा वहां पे फूंक रहा हूँ बेटर थिंग इज अब मेरे पास में प्रॉपर गाइड्स भी मिल चुके हैं सारा का सारा कंटेंट मुझे मिलने वाला है मेरे पास में शीट नोट्स क्वेश्चन बैंक हर चीज रेडी है तो इट्स ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन कि हम लोग घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करें इफ वी आर गेटिंग फॉर द ड्रॉपिंग और रिपीट अगर हम लोग करें वेरी नाइस दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग बाकी आई टोटली एग्री विद बोथ ऑफ यू एक छोटा सा पॉइंट था जिस फ्रेंड ने एक चीज बहुत अच्छी बोली मैम ने भी एक बहुत बढ़िया चीज बोली एक छोटा सा पॉइंट भी आया है जो स्किप हो गया था कि बच्चा देखो बात क्या है ना कि सेल्फ मोटिवेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं कुछ आपको भद्दे लगते हैं गंदे भी नहीं भद्दे देख के मन ही नहीं करता मन नहीं करता देखने का राइट बता याद है आप वो सिलेक्ट हो गए मेडिकल कॉलेज में आ जाओगे आपको सब कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगेगा बताए कुछ टॉपिक्स फर्स्ट ईयर बच्चों को एनाटॉमी पसंद ही नहीं आती है तो कुछ चीजें आपको अच्छी लगेगी कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी पर एट द एंड आपको दूर का गोल देखना होता है कि मेरा फाइनल स्टेप फाइनल मंजिल क्या है एग्जैक्टली बहुत बताए कई बार इच्छा ना हो तो मजबूरी मान के पढ़ना पड़ता है गलत बात नहीं है जैसे आप घर पे बैठ के टीवी देख रहे हो आपकी इच्छा है वहाँ सांप आ गया भागना आपकी मजबूरी है तो मजबूरी हमेशा अच्छे से बड़ी होती है याद रखना तो अगर इच्छा ना हो ना तो मजबूरी मान के भी कभी कभी पढ़ना पड़ता है क्योंकि एंड गोल आपके सामने रखना होता है दैट्स द थिंग बैक टू यू मैम और वो करना ही है बेटा बट यस वन थिंग व्हिच आई लाइक टू पिक अप फ्रॉम आई सर एंड ऑब्वियसली फ्रॉम डॉक्टर आई विल सजेस्ट इज दिस दैट यार कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत देखो हर किसी के घर में 1.5-2 लाख नहीं है कि आपको कोचिंग में भेजें वहाँ आपका हॉस्टल का खर्चा मेस का खर्चा आपकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा अगर आपने ठान लिया है ये सिविल सर्विसेज लोग निकाल लेते हैं सेल्फ स्टडी से गांव गांव के बच्चे लाइट के नीचे और मैं तो ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ मैंने देखा आप लोगों ने तो मूवीज में देखा होगा बबीना में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते बच्चों को मैंने देखा है तो वो आजकल 21st सेंचुरी 2023 की भी रियलिटी है और बच्चे पढ़ते हैं मेहनत करते हैं तो वो कंसिस्टेंसी वो आग आपके अंदर ही लगनी चाहिए वो बाहर की आग आपको नहीं सहारा दे सकती अब आते हैं लास्ट के पॉइंट पे सर मान लो बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि यार वीर बैच मेरे पास है पीसीबी के टीचर्स मेरे पास है लास्ट ईयर मैंने कहीं जाके ड्रॉप लिया था और मेरे पास मटेरियल है जैसे आपने बोला मेरे पास फ्लो है मेरे पास सामान है कुछ गड़बड़ हो गई थी मैंने वो भी आइडेंटिफाई कर ली कि यार मेरा फिजिक्स में ये गड़बड़ रह गई थी केमिस्ट्री में हो गया था बॉटनी में ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड है मैंने वो ऑब्जेक्टिवली चीजें बना दी मैंने टेस्ट नहीं दी तो जो भी बच्चा रेडी है और पूरे मतलब हिम्मत के साथ रेडी है कि यार काम करना है टेस्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें कंसिस्टेंटली अपने को कैसे क्योंकि यही करते पढ़ते रहते हैं 40% पे के लूप में ही घूमते हैं तो 60% तक पहुंच ही नहीं पाते वो जो बचा हुआ है सो अकॉर्डिंग टू यू कैसे अपनी दिनचर्या बनाएं हफ्ते में कैसे टेस्ट दें फुल सिलेबस दें मॉक टेस्ट दें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें क्या करें आपको क्या लगता है बिल्कुल ना बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन था मैम और पता है ये प्रॉब्लम 80% स्टूडेंट की है क्योंकि स्टूडेंट ना ये फेस नहीं कर पाते कि प्रैक्टिस कहां से स्टार्ट करें मैं मेरे टाइम पे क्या होता था जब मेरे साथ के जो कलीग्स होते थे या मेरे साथ के जो बच्चे पढ़ रहे होते थे तो मुझे उनसे क्या सीखने को मिला हम लोग क्या करते मैम कि आई नो कि जैसे ये 3 चैप्टर आने वाले हैं फिजिक्स के टेस्ट में ये 3 चैप्टर आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन और लेट्स से कोई भी रैंडम चैप्टर मैंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू की मैंने इलेक्ट्रोस्टैट की स्टार्टिंग पढ़ी कूलम्स लॉ पढ़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा उसके बाद में एक स्टेज पे आके मेरा इंटरेस्ट किल हो जा रहा है
तो इस वजह से ही हम लोग कभी भी जो होते हैं प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे ये होता है, जैसे डॉक्टर आयुष ने भी बताया कि इवन इफ वी आर नॉट गेटिंग द इंटरेस्ट, हमें अपनी मजबूरी मान के भी चीजें कवर करनी चाहिए एंड वी हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू फेस द चैलेंजेस एंड टू फेस द एग्जाम। तो टेस्ट कैसे वर्क करने चाहिए इसी के अकॉर्डिंग मेरा कैरिकुलम बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ, आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है लाइक से मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, अब भले ही ये टॉपिक डायरेक्टली एग्जाम में ना पूछा जाए लेकिन दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो आज के प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन मैं सबके लिए करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गोला बारूद पॉइंट याद करने हैं, डीपीपी करनी है, यस एंटी आंटी की बात माननी है क्लास में, वो करना ही करना है आपने। टिल द वीकेंड, जब टिल द वीकेंड हम लोग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर। सर मैंने इस बार क्या किया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बता देती हूं, हर सैटरडे बायो का टेस्ट है, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगी। नहीं मैं सेम आई एम आल्सो फॉलोइंग दिस, मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ाया जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे टेस्ट, संडे थोड़ा सा रिलैक्स, रिवाइज करो, पुराना पढ़ो, बैकलॉग पढ़ो, जो भी करो। मेरे यूट्यूब में है, यूट्यूब का करिकुलम बना दिया, मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे टेस्ट, इस सैटरडे को टेस्ट है इनका, 27 को पहले टेस्ट है सर, ये तो आपने पता करना था सर, अपन को भी बैठ के बनाना पड़ेगा टेस्ट बना देंगे। 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं, देखो अपना जितना टॉपिक हुआ 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, बिकॉज़ आपको टेस्ट की आदत डालनी है, पड़ेगी यस। मैं चाहता हूं कि इस तरह से फ्रीक्वेंसी सेट हो कि हर वीक हम लोग, और हमारे टेस्ट का नाम क्या है गेस करो सर, एनसीईआरटी खोली तो पाप पड़ेगा, पेन उठाया तो पाप पड़ेगा, एनसीईआरटी खोली तो पाप पड़ेगा, रिंग भूले, आप क्या नाम दोगे अभी गैस कर लो, अभी बताओ, चलो कौन सा पाप डलवाना है आपने, फिजिकल केमिस्ट्री में पेन उठाए तो पाप पड़ेगा। नहीं फिजिकल में तो मैं पेन उठा रहा हूं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि टेस्ट नहीं दोगे तो पाप पड़ेगा। या सही है टेस्ट देना मैंडेटरी कर देते हैं। सो हाउएवर हमने अभी तक टाइमिंग डिसाइड नहीं किया, बट वी विल मेक श्योर कि वीकेंड पे आपका टेस्ट रहेगा एंड आई विल कॉल इट एज वीकली टेस्ट। मेरे तो वीकली टेस्ट है, आप मेरी क्लास के टाइम पे, क्लास टाइमिंग टेस्ट, करेक्ट throughout the week जो पढ़ाना बच्चे उसमें टेस्ट देंगे, बस बस। फिर एक बार क्या होगा, जैसे ही मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, करेक्ट। तो मैं क्या चाहता हूँ कि बच्चे की फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट हो कि हर वीक में एक टेस्ट देगा, आदत पड़े, बाद में धीरे धीरे वीक में दो टेस्ट देगा, करेक्ट। फिर जब हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होगा तो बच्चा हर दो दिन में एक टेस्ट देगा, यानी तीन टेस्ट, चार टेस्ट, हर दिन में दो दो टेस्ट, तो आपके लिए ना इतने सारे टेस्ट हो जाएंगे कि जिस दिन आप अपना नीट का पेपर फेस करेंगे तो वो जो आपके अंदर का जो इंफीरियर जो एक जो डर रहेगा अंदर का, वो सब निकल जाएगा, आपको लगेगा कि आप पाप से मुक्त हो जाओगे। और यही मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ कि टॉपिक्स जो होते हैं ना उनको इतने क्वेश्चन करो, इतनी प्रैक्टिस करो, करेक्ट। कि जैसे अभी मैं पर्सनली जब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, इस बार भी नीट का पेपर मैं लाइवली सॉल्व करने गया था, करेक्ट। और मैं फ्रेंकली बता देता हूँ, मैं 45 में से मैं 43 क्वेश्चन कर पाया था, दो क्यों नहीं कर पाया था वो भी बता दूंगा। क्योंकि क्या होता है मैम, कि जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, रोट लर्निंग का चैप्टर सर ने बताया, अब भले ही मेरा इंटरेस्ट ना हो लेकिन मुझे रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, मैंने नहीं की क्योंकि मेरा एग्जाम नहीं है ना, करेक्ट। तो इसलिए मुझे वो दो स्किप करके मैंने सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और मैंने ये भी कहा कि इन दो क्वेश्चन में बच्चों मैं भी नहीं, भगवान भी नहीं, कोई हेल्प नहीं कर सकता, इट्स यू ओनली हु कैन हेल्प योर सेल्फ, रट्टे मारने क्योंकि आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बिल्कुल, उसमें कोई सलूशन नहीं है, करेक्ट। तो दिस इज हाउ इट गोज, कि आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है टिल द एंड ऑफ द डे कि आपको जैसे क्वेश्चन दिया मोर कॉन्सेप्ट, इसे फोड़ूंगा, इसे फोड़ूंगा, इसे फोड़ूंगा, पेपर एक बार ऐसे देखना बिना पेन उठाए कम से कम आधे क्वेश्चन लग जाने चाहिए, दिस इज हाउ आवर मेंटेलिटी शुड बी, दैट्स राइट। और अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है तो डेफिनेटली फिर आप जो होगे 600 प्लस की स्कोर करोगे, फाड़ोगे, यस। टेस्ट में क्लोजिंग पॉइंट्स आल्सो आपके, यस, हवा में इस तरीके से नहीं करना, OMR एक प्रिंट करा लो घर पे, अपन एक OMR प्रोवाइड करवा देंगे, हम दे देंगे OMR, हमेशा OMR पर ही होना चाहिए, टेलीग्राम पे अभी आज ही दे देंगे, आजकल दे देंगे। अरे वो मेरी बुक में आपको पता ही, मैंने OMR सारी चेपी हुई है, 200 वाला नया पैटर्न, नए पैटर्न OMR आपको दे देंगे हम, बहुत सही पॉइंट है, ऐसे नहीं देना है, टिक नहीं करना है, OMR पे करना है, OMR कैसे, OMR कैसे बढ़ना है, बबलिंग टाइम डालना है, यस एग्जैक्टली, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। सेकंड एक चीज मत कर देना, एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक मत पकड़ लेना, बच्चा मैम से बोलो ना रिप्रोडक्शन में पढ़ता रहता है, बेटा सुनो अगर आपने बहुत ज्यादा बायो पढ़ा
तो आप बायो के टीचर बन जाओगे, एग्जाम में निकलेगी। बहुत ज्यादा फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स के टीचर बन जाओगे, एग्जाम में निकलेगी। बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ा तो केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाओगे चार साल बाद, एग्जाम में निकलेगी। सबको बैलेंस करके चलना है, किसी भी टॉपिक का या किसी भी सब्जेक्ट का मोह माया नहीं मानना, ठीक है? समझ में आई बात? ये क्लियर हुई? देखो मोह माया नहीं पालनी, बात सही है, बात सही है। तो बुरा मत मानना, सच्ची बात बोल दी। मैम जो है आप एक ही चैप्टर पे अटक गए नहीं नहीं बेटा, ये आपको करना है। डॉक्टर आयुध नहीं बनना, संजय सर नहीं बनना, वानी मैम नहीं बनना। Yes, you have to be doctors, यार। हम तो आपके मार्गदर्शक हैं बच्चे। We are the force behind you. आपको help करने के लिए, support करने के लिए, हर एक चीज provide करने के लिए। और अब तो हम तीन है यार, एक subject नहीं है, तीनों है। तीनों की triple energy अभी आपके पीछे लगने वाली है। और आप देखो कि आपको बस अपने सपने, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है। So ultimately, खैर ये तो हमारा passion है, we are not the failures, हम तो definitely successful हैं। मैंने अपना exam निकाला है, सर खुद डॉक्टर हैं और आप भी अपनी जगह पे आपने अपना exam crack किया। तो ये तो हमारा passion है जो हम लोग follow कर रहे हैं। लेकिन आपका जो भी target है, आपका goal है, let's say कि आपका भी अगर passion teaching ही है, तो उसके लिए भी इट्स वेरी गुड कि आप अपना जो एग्जाम प्रिपरेशन आप जिसके लिए कर रहे हैं उसे क्रैक करें, एक अच्छी रैंक सिक्योर करें। और अगर आपको इसी में परस्यू करना है तो देन यू कैन ऑफ। लेकिन अभी के लिए जो सबसे प्राइमरी टारगेट है वो क्या है? नीट 2024 और 2025 को क्रैक करना। तो सबसे पहला टारगेट सिर्फ यही होना चाहिए, दिन रात सोते जागते लग जाओ, यही चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कि सपने वो नहीं है जो हम लोग सोते हुए देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ना दें।